वालेकुम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं ऑक्शन में गाड़ी डालने। गाड़ी हमारी टोयोटा सक्सीड है, ऑक्शन यूएसएस टोक्यो। यूएसएस टोक्यो में इस तरह पेपर लिखना पड़ता है। पेपर के अंदर आप अपनी गाड़ी की सारी डिटेल्स लिख लेते हैं, उसका चेसी नंबर वगैरह, उसकी माइलेज, उसके अपना सीसी, कितने इंजन, कितना बड़ा है और ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, ये सारी डिटेल्स लिखते हैं। आप प्राइस बताते हैं कि इतने प्राइस से मैं स्टार्ट करके इतने पे छोड़ना चाहता हूँ। ये रास्ता है यूएसएस टोक्यो का। अभी थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे, आपको यूएसएस टोक्यो भी दिखाएंगे आज। बेसिकली अपना क्या बोलते हैं, तरीक़ेकार जो है ना गाड़ी डालने का, वो बहुत आसान है। आप बस ये एक पेपर लें, आपकी मेम्बरशिप है, उस मेम्बरशिप का आपने नंबर लिख देना है, वहाँ पर पेपर सामने रख के तो आपने बस गाड़ी डाल देनी है। आपने किसी को हैंड ओवर नहीं करनी। या आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर में दिखाएंगे कि क्या प्रोसेस क्या होता है गाड़ी ऑक्शन में डालने का। एंट्रेंस है यूएसएस टोक्यो की। बेसिकली यहां से हम मुड़ के अंदर जाएंगे तो यूएसएस टोक्यो आ जाएगा। और आपको बताता चलूं कि जो हमारी जगह है, अपना क्या बोलते हैं, जो हमारा यार्ड है, वो यूएसएस टोक्यो से तकरीबन 10-1 मिनट की दूरी पे है, तो हमें आसानी रहती है। ये यूएसएस का बोर्ड लगा हुआ है, ये इतना बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है यूएसएस टोक्यो, नहीं लिखा हुआ क्योंकि वो सबको बताया कि टोक्यो के अंदर है तो यूएसएस टोक्यो। यहाँ से ये शुरू होती है और ख़त्म जहाँ तक इंसानी आंख जाती है उससे भी आगे। ये सारे जो सामने आपको ट्राले खड़े नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पर बेसिकली गाड़ियाँ निकालने और डालने लोग आए, इनको डालते हैं। नीचे ही पार्किंग भी है, ऊपर गाड़ियाँ जो हैं ये यहाँ से फिर आगे अगला प्रोसेस होता है। ये बेसिकली अब हम एंटर हो गए हैं और एंटर होने के बाद यहाँ पर हमने गाड़ियाँ लगा। ये सारी जो हमारे आगे गाड़ियाँ हैं, ये सब अगले हफ्ते के ऑक्शन में बिकने के लिए लोग लेके आ रहे हैं साथ साथ। तकरीबन एक हफ्ते में 10,000 से 20,000 गाड़ी के दरमियान में होती है। पिछले हफ्ते की ऑक्शन जो कि कल थी, वो अपने क्या बोलते हैं तकरीबन 16,000-16,500 गाड़ी थी। और ये आप देख सकते हैं, ये सारी जितनी गाड़ियां आपको इस समय नज़र आ रही हैं, ये सब यहां पर ऑक्शन होने आए। हम भी यहां पर गाड़ी ऑक्शन में डालने के लिए आए ताकि हमारी गाड़ी बिक जाए। जैसे मैंने आपको बताया, प्रोसेस बहुत आसान है, कोई इतना लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है। बस आपने यहाँ गाड़ी हम ले आए, हमने ये जो हमारा पेपर जो लिखा था ये यहाँ पर रख देना है और गाड़ी छोड़ के चले जाना है। गाड़ी ऑटोमेटिकली यूएसएस वाले रिसीव भी कर लेंगे, वो आपकी गाड़ी चेक भी करेंगे, उसको मार्क भी करेंगे, उसको पॉइंट्स भी देंगे और वो डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तादाद में गाड़ियां खड़ी हैं इस टाइम पे। इतने ज़्यादा गाड़ियां ना करते एक हफ्ते के अंदर 16,000 गाड़ी, दुनिया की नो डाउट ये सबसे बड़ी ऑप्शन है, क्योंकि पूरे हफ्ते में शायद उतनी टोटल गाड़ियां ऑक्शंस में ना आती हो जितनी यहाँ एक हफ्ते में आती है। तो ये फर्क है बाकी ऑक्शंस और यूएसएस टोक्यो। और ये अगर आपको अंदर से दिखाई जाए तो जहां तक इंसान जा सकता है वहां तक गाड़ी खड़ी है इनकी, और इतनी गाड़ी खड़ी है। और ये हम गाड़ी डाल के तो आप वापस जा रहे हैं। अब हम अपने क्या बोलते हैं अपनी गाड़ी में आ गए हैं, जो हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं। अब जो है अपने क्या बोलते हैं हम वापस जा रहे हैं घर। शाम का टाइम हो गया है, खाना 5 बजे काम बंद। 5 बजे के बाद आपने काम करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन नॉर्मली 5 बजे सब कुछ बंद हो जाता है और शाम 7-8 बजे तक पूरा जापान सो भी जाता है। अभी हम घर जाएंगे, जाके खाना वाना खाएंगे, थोड़ा सा अपना टीवी देखेंगे और हम भी सो जाएंगे।